My name is Shruti Verma and welcome to this YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं फोरेंसिक साइंस में करियर से रिलेटेड। तो उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को, आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उन सारी प्रॉब्लम्स को आज मैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आई हूँ। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हमने ग्रेजुएशन तो कर लिया, हमने मास्टर्स तो कर लिया, लेकिन अब आगे हमें क्या करना चाहिए, अपनी फोरेंसिक साइंस फील्ड में आगे हमें कुछ करना है तो उसके लिए हम किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मेरे पास आते रहते हैं। तो आज मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, एंड इससे पहले भी मैंने एक करियर से रिलेटेड वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप फोरेंसिक साइंस के लिए कौन कौन सी फील्ड में, कौन कौन सी जगह पर आपको वैकेंसी आती है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, एंड अगर आप क्राइम सीन पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था, एंड लैब का भी बताया था कहाँ कहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वाले वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, वहां से आपको पता चलेगा कि आप किस किस जगह पर आप वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं, जहां जहां पर वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको स्पेशली फोरेंसिक साइंस लैब में वर्क करना है, तो वो कैसे अपना वहां पर वैकेंसीज आती हैं, किस तरह से आप वहां पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है एंड ग्रेजुएशन कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है फोरेंसिक साइंस की फील्ड में, उनको मैं स्पेशली कहना चाहूंगी उन्हें मास्टर्स जरूर से परस्यू करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन सफिशियंट नहीं है आपको अगर फोरेंसिक साइंस की फील्ड में, फोरेंसिक साइंस लैब में अगर आपको वर्क करना है तो, इसलिए आपको मास्टर्स जरूर से करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें मास्टर्स जिन्होंने कर रखा है उनकी, तो जिन बच्चों ने मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है उनको बहुत सारी उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है, कई सारी वैकेंसीज आती हैं, एसएससी के थ्रू आती हैं, यूपीएससी के थ्रू आती हैं, इसके अलावा कई सारी स्टेट वाली वैकेंसीज भी आती हैं, जैसे कि राजस्थान में आती हैं आरएसएमएसएसबी के थ्रू, इस तरह से तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बहुत सारी जगह पर वैकेंसीज आती हैं, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा और कहां कहां पर आती हैं वो सारे के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा, वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि बहुत सारी वैकेंसीज तो आती हैं, लेकिन उसमें आपको स्पेशली एक्सपीरियंस मांगते हैं, एंड वहीं पर सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें ज्यादातर आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए, और वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लैब में आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। वो आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपको पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, जहां पर आपने वर्क किया है मिनिमम 2 to 3 ईयर्स एंड वहां पर आपको पेमेंट की गई है। ठीक है, तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस होता है उसको वो एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है, किसी भी तरह की ट्रेनिंग आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती है। जो भी आप ट्रेनिंग करते हैं वो सारी की सारी ट्रेनिंग सिर्फ आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए, आपके माइंड सेटअप के लिए ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, मोर देन उनको 1, 2, 3, 4 ईयर्स होते जा रहे हैं लेकिन वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं बता दूं वो सारा का सारा एक्सपीरियंस में काउंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई, अभी अगर हम बात करें एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कैसे, उसकी आपके लिए उसके आपके पास उसके लिए बेसिकली तीन ऑप्शंस होते हैं। तीन ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे अच्छा एंड सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है आपके पास, आप नेट जीआरएफ क्लियर करिए। नेट जीआरएफ क्लियर करने के बाद में पीएचडी को अप्लाई करिए, पीएचडी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में जो आपका पीएचडी का जो ड्यूरेशन रहता है, जैसे ही आपके 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितने आपके ईयर्स की आपकी पीएचडी रहती है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स जितना भी रहता है वो सारा का सारा आपका एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहने के लिए है, ये एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है, सच में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, अगर आपने नेट जीआरएफ क्लियर कर रखा है तो वो तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर आप इस फील्ड में स्पेशली कुछ करना चाहते हैं, फोरेंसिक
साइंस लैब में काम करना चाहते हैं, सेंट्रल लैब में करना चाहते हैं, स्टेट लैब में करना चाहते हैं, तो नेट क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए ऑप्शंस आ जाते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ से आपको गेन हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग जो कि नेट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं या नेट में उनका कोई पीएचडी करने का कुछ उनका माइंड सेटअप नहीं है इस तरह का, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए और भी वैकेंसीज हैं जैसे कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट एंड इंटर्नशिप जैसे की वैकेंसीज आती हैं, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वैकेंसीज आती हैं। प्रोजेक्ट्स इस तरह के आपको उसमें देखने पड़ेंगे जो कि आपके फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड हो, जिस भी फील्ड में आप स्पेशली काम करना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड वो टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह की आपकी जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज आती हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपके पास और ऑप्शन रहता है एक्सपीरियंस गेन करने का, वो ऑप्शन रहता है कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट फोरेंसिक साइंस लैब में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट फोरेंसिक लैब में प्रॉब्लम्स ये होती हैं, वहां पर आपसे काम बहुत सारा करवाते हैं लेकिन पेमेंट आपको कम मिलता है। ठीक है, तो आपके वहां पर सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि जैसे आप कहीं पर जाकर रहेंगे तो आपका उसमें सारा खाना पानी जो कुछ भी रहता है तो वो सारा का सारा मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें करना है तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल चलता है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये तीन ऑप्शन है जहां से आप एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं। एंड ये एक्सपीरियंस आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहता है जो कि कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे कि बहुत सारे साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जहां पर आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं अलग अलग ब्रांच में। ठीक है, तो आपको जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं उस फील्ड में आप इस तरह से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। एंड ये सारा का सारा एक्सपीरियंस जो रहता है वो आपके एक्सपीरियंस जो रहता है वो आपका काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें करके, नेट क्लियर करके, या फिर आप पीए, आरए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, या फिर इस तरह कोई भी इंटर्नशिप करके या फिर प्राइवेट जॉब करके आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं एंड फिर उन सारी की सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज जो आती है तो उसके लिए तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर, सभी फोरेंसिक्स यूट्यूब चैनल पर वैकेंसीज की नोटिफिकेशन तो मिल जाती है, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाती है, तो वहां से आप एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आपका डेफिनेटली इस पर्टिकुलर फील्ड में, फोरेंसिक साइंस की फील्ड में फ्यूचर बहुत ही ज्यादा सिक्योर होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि फोरेंसिक साइंस जो है ये नई फील्ड है तो इसमें उतना स्कोप नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रोइंग फील्ड होती है उसमें सबसे ज्यादा स्कोप होता है, क्योंकि वहां पर वैकेंसीज आने के, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर वैकेंसीज आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि फोरेंसिक साइंस में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, फोरेंसिक साइंस में कोई वैकेंसी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस देर है तो आपकी सही तरह से, सही टाइम पर, बिल्कुल सही तरह से काम करने की। ठीक है, तो आप इस तरह से पूरा का पूरा एक पूरी प्लानिंग के साथ अपना काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी, इसी फील्ड में लगेगी और फोरेंसिक साइंस लैब में लगेगी। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं किस तरह से आप फोरेंसिक साइंस लैब में, सेंट्रल लैब में, स्टेट लैब में वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो एक्सपीरियंस की रहती है, और वो कैसे आप गेन कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और आप इस तरह से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब जरूर से लग जाएगी। ठीक है, एंड माई बेस्ट विशेस इज ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये था ये सारे के सारे वीडियो के बारे में जहां पर मैंने आपको पूरा ओवरऑल बताया है कि किस तरह से आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी फील्ड में, कौन कौन सी फर्म में आप वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में किस किस चीज की वैकेंसीज आती है, इसके अलावा क्राइम सीन के लिए करना है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आईबी में एंड एसएससी में, इस तरह से बहुत सारी आती हैं। लैब में स्टेट फोरेंसिक लैब, सेंट्रल फोरेंसिक लैब, इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। तो वो कौन कौन सी जगह पर वैकेंसीज आती हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तो वहां पर आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस पूरी फोरेंसिक साइंस में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी के बारे में। ठीक है,
तो ये था पूरा का पूरा आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने पूरा ओवरऑल देख लिया है कि फोरेंसिक साइंस में अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको फर्दर क्या करना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, जो कि फोरेंसिक साइंस की फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, उन सभी को शेयर करेगा ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरह से आप अपना खुद का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस की फील्ड में। एंड जिन लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि इस फील्ड में कुछ भी नहीं है, बेकार है ये फील्ड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए एंड उनको भी पता चले कि कितना ज्यादा इस फील्ड में कितना ज्यादा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।